आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रार्थना में उपस्थित हुए और परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, आपको ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई सोच दी, एक नया जीवन दिया और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश दिया ताकि हम अपने जीवन को उजाला की ओर ला सकें। जो हमारे जीवन में अंधकार हैं, अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उसे परमेश्वर के सामने हम प्रकट कर सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमें सुरक्षित रखा और आपने हमें जीवन में जो काम दिया उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे सभी मसीह भाई मिल करके प्रभु का शुक्रिया अदा करें, उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और शांति और आदि और अनंत हूं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर अल्फा ओमेगा और अनंत और अंतिम हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए कि आपके जो बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, धन्य वे जो अपने स्वास्थ्य वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर के नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक के झूठ चाहने वाला और मन गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। यदि आज हमारे मन सच्चा है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर समय के लिए प्रभु आपके बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहता है। वो आपके बच्चों को ढेर सारी बरकत और आशीष देने वाला है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में कोई व्यभिचार है, कोई गंदी बातें हैं या मूर्ति पूजक हमें व्यभिचार करते हैं या किसी प्रकार को दूसरे के ओर देख करके जलन रखते हैं, तो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस योग्य नहीं हो कि तुम परमेश्वर के अंदर प्रवेश कर सको, तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारे कामों में कोई रुकावटें, कोई चिंताएं, कोई मुसीबत है, तो आज हमें डरना नहीं, आज हमें घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु हमें वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँचना चाहता है तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देगा। यदि आज हमारे जीवन में, आज हमारा जो शरीर है, जो आज हमारा मन है, यदि साफ है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, तो प्रभु का वचन ही कहता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, भोर का चमकता हुआ तारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सुंदर सुबह के लिए मैंने जब आपको जीवन दिया, श्वास दिया, आपके बच्चों को सुरक्षित रखा, आपके कामों में परमेश्वर ने मदद की, सहायता की, तो आज परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक नया सूर्य उदय किया है। भोर का चमकता हुआ तारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा ताकि उस चीज़ को हम देखें, समझें और विनती करें, दुआ करें। आज आपको डरना नहीं कि आपके जीवन में बीमारियाँ हैं तो जाती नहीं हैं। आज आप बहुत दवा खा चुके हैं, बहुत सारी समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो परमेश्वर आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से उठा करके आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके जीवन से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके बिजनेस से, आपके कामों से, वो हर एक चीज़ निकलने वाली है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर के सामने जितने बच्चे आपके बैठे हुए हैं, आज पिता इन्हें आशीष दे और स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा कर पिता परमेश्वर, जहां कहीं पर भी हो, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि इस समय ये उदास हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं और बेटियाँ हैं, इनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जिनके आंसू बहते हैं और जिनके घर में आज शादी है पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग करें, और जिनके पिता परमेश्वर एग्जाम है उनके लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं, और जो एडमिशन कराने के लिए पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए परेशान है, हताश है, निराश है, पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, और जो लड़ाई और झगड़े जो हॉस्पिटल में इस समय भर्ती हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके वचन के द्वारा आज वो चंगे होंगे, चाहे वो फीवर हो,
अनेक प्रकार की छोटी सर्दी जुकाम बुखार हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ आज आपके जीवन से वो निकलने वाली है। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं आपके शरीर से निकलेंगी। हालेलुया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है और परमेश्वर का भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपकी, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जो सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो काम के लिए आज ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में वो हर प्रकार के काम सफल हो पिता परमेश्वर। जिस काम में ये हाथ रखे पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी आशीष आए, ढेर सारा फल आए पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो आज आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को रिसीव करने के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन में ये चाहते हैं कि पिता मेरी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करे पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में है, जो मेरे मन में है, जो मेरे शरीर में है, आज जो बीमारी से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, आज प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर निकालें, उन्हें हर प्रकार की दुख घड़ी से प्रभु आज उनके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी संकट है पिता, उसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे यीशु राजा, हे सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर, आज जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के संकट के जो समय आज इनके घर में छाए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, आज इन्हें नहीं समझ में आता कि ये क्या करें क्या न करें जीवन में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज ये आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज जिन बहनों को रिश्ते नहीं आ रहे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज जिनके घर में अनेक प्रकार के दुख आज संकट आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे देखने वाले आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आज इस सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे आपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में उन्हें आशीष दे, उन्हें प्रभु आज हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार के कामों में उन्हें आप सफलता देंगे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें बचाएंगे, आज जो अपने काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं उनके जीवन में फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में ढेर सारी फल आए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। शतकलम 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 शतक, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं प्रभु इनके जीवन से दूर हो, निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके कामों से, इनके हर प्रकार के बिजनेस से, इनके हर प्रकार के जो काम में बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो इनके घर में काला जादू टोना जो भी किसी प्रकार का किसी और ने किया, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, इसी वक्त पवित्र लहू के द्वारा प्रभु इनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो, वो निकल इसी वक्त इनके जीवन से, वो दर्द है, जो समस्याएं हैं, जो पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में जकड़न है, अनेक प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार की लकवे की बीमारी है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है या फेस में प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट में, हिस्से में, बॉडी में है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, उनके घरों से समस्याएं, उनके जीवन से हर प्रकार के दुख दर्द इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी समय, इसी घड़, इसी क्षण पिता परमेश्वर दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, प्रभु उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जो अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के चलते हैं पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन के बारे में क्या होगा, अपने बेटे और बेटियों के बारे में सोचते हैं कि इनका जीवन कैसा,
होगा, ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समाज में रहेंगे। प्रभु उन्हें आज्ञा देने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की रास्ता दिखाने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार के मार्गदर्शन करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखेंगे, उनके बेटे और बेटियों को, सभी के बेटे और बेटियों को अपने सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो दुख और परेशानियां इनके जीवन से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से, इनके जीवन से, इनके कामों से, इनके बिजनेस से, इनके खेत खलिहान से, इनके घर में जो भी कुछ रखा है पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत आने पाए, ढेर सारी आशीष आने पाए इनके बच्चों के जीवन में। प्रभु आज इसी वक्त इनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए। जो आज इनके बच्चे बिगड़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में उन्हें सिंकर, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बुरी संगतों से पिता परमेश्वर बचाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज उनके जीवन की देख रेख कर, उनकी रक्षा कर। आज जिनके बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम ब्लेसिंग करते हैं, आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में, उनके बच्चे, उनके परिवार में, उनके घर में ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी खुशियां यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए। जो आज जिनके बच्चे नहीं है जिनके घर में, यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं, आप आशीष पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं जो आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर करा करके रखा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काला जादू, अनेक प्रकार के टोना टोटका जो भी किसी प्रकार के, वो सब दूर हो जा रहा है, आपके घरों से निकलने जा रहा है। इसी वक्त वो आपके घरों से दूर हो गए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, आज जिनका बीपी, ब्लड प्रेशर, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कम ज्यादा होती यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके शुगर हो चुका है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, उन्हें देख रेख कर पिता परमेश्वर, उन्हें हर प्रकार के खाने की आजादी दे पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर ने मना किया है कि उनके शुगर यीशु मसीह के नाम से ये नहीं खा सकते, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो हर प्रकार की शुगर की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से। और अपने जीवन में आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना कि प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर चुका है, आपको आशीष दे चुका है। जिनके अनेक प्रकार के हिस्सों में, बॉडी के पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई दर्द है, कोई समस्या है, कोई मुसीबत है, इसी वक्त आप प्रार्थना करिए। और जितने मेरे मसीह भाई बहन किसी प्रकार के दर्द से या किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, तो अपने हाथों में एक गिलास पानी उठाइए और आज्ञा दीजिए जो भी आपके शरीर में है, इसी वक्त आपके जीवन में वो समस्याएं, बीमारियां, वो दुख, वो अनेक प्रकार की चिंताएं, वो आपके जीवन से निकलेंगे। आज आप उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और उसको लीजिए अपने हाथ में और आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जो आप भी आपकी जीवन में समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में दुख हैं, जो भी आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो सभी लोग आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, जिस समय आप उस पानी को पिएंगे परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार कैंसर है, अनेक प्रकार के रोगी हैं, सर्दी जुकाम बुखार, किसी भी प्रकार की आपके शरीर में कोई भी समस्या हो, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके शरीर में, आपके आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, उसे पानी को आप जब पिएंगे, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी, बहुत सारी आशीष आएगी। उसी क्षण, उसी वक्त आप विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप चंगे होंगे। हालेलुया, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो अपने हाथों में पानी को उठा करके रखे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इनके शरीर में, इनके जीवन में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में, इनके बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर के किसी भी हिस्से में पिता परमेश्वर, जो भी बीमारी है, समस्याएं हैं, जो बिजनेस को लेकर के चिंतित है, परेशान है, डिप्रेशन में, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं से इस समय ग्रसित हैं, और जो जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा इनके शरीर में काम करती है, इनके बिजनेस में काम करती है, इनके शरीर में, इनके बच्चों के जीवन, इनके पढ़ाई लिखाई में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त फील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर उस पानी में पिता परमेश्वर जाएं और वो जैसे पानी पिएंगे यीशु मसीह के नाम से तुरंत खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से
यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो समस्याएं, दुख और संकट यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आप उनकी रक्षा की, सुरक्षा की। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपने जिस पानी को आज पिया कोई मामूली पानी नहीं, आप उसे पीजिए, अभी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां आएंगी, आपको बहुत सारा प्यार परमेश्वर देगा। विश्वास के द्वारा पीना आपके जीवन में वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अपनी गवाही को इसी वक्त आप भेजिएगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको जो दिखाई दे रहा है नंबर, इस पर अभी इसी वक्त अपनी गवाही को, जैसे पानी पियेंगे उसके बाद कुछ समय बाद इसी नंबर पर अपनी गवाही को जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और सारी ब्लेसिंग दे सके, आपको आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो यहां पर परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और जो बीज को बोना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत सारा फल लाना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर परमेश्वर के भवन में आप बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आज सुरक्षित रखना और अपनी गवाही को ज्यादा से ज्यादा भेजने पाए। पिता परमेश्वर पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देना, ढेर सारा प्यार देना, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।